हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रश्मि। रश्मि की फैमिली किचन में आपका स्वागत है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी, जो आपकी बोतलें घर की होती हैं जिसमें हम पानी भरते हैं, फ्रिज में लगाते हैं, चाहे प्लास्टिक की हो, चाहे मिल्टन की हो, चाहे बच्चा स्कूल में ले जाता है बोतल, उसको गंदा कर लेता है और जब बोतलों में पानी भरा रहता तो नीचे खार जमा हो जाती या चिकनापन हो जाता, तो उसको कैसे साफ़ करें, वो भी घर की ही चीज़ों से। तो चुटकियों में आज साफ करना बताऊँगी। तो आपके लिए ये वीडियो यूजफुल होने वाला है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए बोतलों को साफ करते हैं। तो सबसे पहले मुझे पानी को गर्म करना है, तो मैंने इधर पानी को गर्म करने रख दिया और इसमें डाल दिया है ये वाशिंग निरमा। कोई भी डिटर्जेंट पाउडर ले लेंगे, तो यहाँ पर मैंने वाशिंग मशीन वाला जो पाउडर है वो ले लिया है, ये ज़्यादा अच्छा काम करता है। तो इसको पानी को गर्म करना है तो इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से, जिससे कि जो पाउडर है वो अच्छे से घुल जाए। तो देखिए यहाँ मैंने ये पानी को गर्म कर लिया है, तो इसको उतार लेते हैं। तो इस पानी में मुझे डालना है मीठा सोडा, तो ये हर घर में मिलता है, तो मैंने यहाँ पर मीठा सोडा डाल दिया है 1 से 1.5 चम्मच। तो इसको मिक्स करेंगे, तो जितनी भी आपकी बोतल हो, चाहे मिल्टन की हो, चाहे प्लास्टिक की हो, चाहे कोई सी भी बोतल हो, आप उसमें ये पानी डालकर रख दीजिए। तो मैंने इसमें सारी देखिए बोतल को निकाल लिया। अब इसमें मैं पानी को डाल दूंगी बारी बारी से, और अगर पानी कम पड़ेगा तो आप और भी पानी बना सकते हैं इसी तरीके से। तो मैंने सारा पानी देखिए भर दिया है, तो इसी तरीके से मैंने इस भगोने में और पानी को गर्म कर लिया है। तो इसमें मुझे डालना है फिर से निरमा, और इसको निरमे को कर देना है मिक्स अच्छे से। अब ये जितनी भी ये बोतल्स के ढक्कन है उनको डाल दूंगी, और अच्छे से हाथ से, गर्म है लेकिन मिक्स कर देंगे। तो मिक्स करने के बाद सबको 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे, तो जितनी भी मेरी जो नीचे चिकनापन खार जमा होती है तो वो मतलब नीचे से छूटने लगती है। तो अब मुझे लेना है इस तरीके से बोतल साफ़ करने का स्क्रबर, तो इसमें लगा लेना है साबुन। तो एक बोतल को लेना है, तो इसमें ये इसको डाल के अच्छे से प्रेस करते हुए अंदर को साफ करना है, तो जितना भी नीचे जो जम जाता है मैल चिकनापन तो वो छूटता है, और बाहर की तरफ एक सॉक्स ले लेंगे तो वो चिकना होता है तो स्क्रैच वगैरह नहीं पड़ेंगे। तो इसी तरीके से साफ करेंगे प्रेस करते हुए, तो इसी तरीके से मुझे बार बार साफ करना है। और जो साबुन है उसको अच्छे से सेक करेंगे ऐसे पानी के साथ, और तो इसी तरीके से मुझे इस बोतल को साफ करना है। अगर आपके पास ये स्क्रबर जो बोतल साफ करने वाला होता है वो नहीं है, तो आप क्या कीजिए, एक झबिया जो होती है तो उसमें मतलब कोई सॉक्स या कोई भी जो जूना होता है उसको फंसाइए और उसको घुमा के भी साफ कर सकते हैं। तो देखिए ये बोतल का चूड़ी वाला भाग होता है, तो यहाँ पे गंदगी जमा होती है, तो इसे ब्रश की सहायता से साफ़ करेंगे। तो इसी तरीके से मैंने देखिए बोतलों को साफ़ कर लिया है। जो भी जो साबुन होता है उसको चारों तरफ अपनी सिंक में भी डाल देंगे तो वो भी साफ हो जाती है। तो इसी तरीके से ब्रश को साबुन से लगा लेना है, और उसको जो बोतल कैप होती है उसको भी अच्छे से साफ़ करना। इस तरीके से जो ढक्कन होते हैं तो उसमें जो मैल मक्कड़ है वो जमा हो जाता है, तो उसको अच्छे से क्लीन करना है, तो जिससे कि जो जम्स वगैरह होते हैं वो अच्छे से निकल जाएं। तो हमें बोतलों को 10 से 15 दिन में ज़रूर साफ़ करना चाहिए। तो देखिए कितनी क्लीन निकल चुके हैं इसके बोतल के ढक्कन। तो इसी तरीके से मैंने सारी जो ढक्कन है उनको, सारी बोतलों को साफ़ कर लिया है। तो अब मैंने देखिए इधर पानी चाहिए ज़्यादा, तो मैंने मोटर को चला लिया है। तो अब मुझे ये सारी बोतलों को करना है क्लीन पानी से। तो पानी बोतल में थोड़ा सा भरना है, उसको सेक करना है, क्योंकि इसमें अच्छे से निरमा और ये जो साबुन है वो लिया था तो बहुत ज़्यादा इसमें होता है। तो अच्छे से बोतल में पानी को लेते हुए सेक करते हुए बार बार निकालना है, जिससे कि जो साबुन है वो अच्छे से क्लीन हो सके। तो बोतल को देखिए मैंने इसी तरीके से सारी क्लीन कर ली है, तो एकदम से मेरी देखिए बोतल चमक उठी है, और इसके जो ढक्कन है देखिए कितने क्लीन हो गए हैं। तो इस तरीके से चिकनापन, खार, गंदगी, स्मेल सब क्लीन हो जाता है। तो ज़रूर इस तरीके से बोतलों को साफ किया करें। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर लेना।